हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव शाजिया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगी ओल्ड कर्टेन से सोफे के कवर एंड रनर। तो और मैं कुशन भी सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस, सबसे पहले हम बनाएंगे कुशन। कुशन बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए शैनिल। तो ये आप 5 कुशन आपकी 2 मीटर शैनिल में बन जाएगी। तो आप जिस कुशन से भी बनाना चाहते हैं, आपका छोटा कुशन है या बड़ा है, तो वो उसे अपने पास रख लीजिएगा और उसके नाप से उसकी कटिंग करनी है हमें। तो इस तरह से आप इसके ऊपर रख के देख लीजिएगा। अब इसके बराबर हमें इसको कटिंग करना है। स्क्वायर शेप में इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमने इसको कपड़े को कट कर लिया है। देखिए, इसके साथ का बिल्कुल ये फिट आ रहा है कपड़ा। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। और नीचे के लिए मैंने लिया है ये कपड़ा। ये हमारा सिल्क में कपड़ा है और इसी के बराबर हम इसको कट कर लेंगे। तो ये भी मैंने कट कर लिया है कपड़ा। अब जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसमें हमें बीच में से कट करना है। इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में। पहले हम अपने कर्टेन से बनाएंगे सोफे के कवर। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, सिलाई हम एक साथ बाद में करेंगे। तो यह हमारा ओल्ड कर्टेन है। तो जो ये बीच वाला पार्ट है, जो आपको शैनिल वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम रनर के लिए यूज़ करेंगे। तो हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह का पर्दा पड़ा हुआ हो, तो आप भी इस तरह से सोफे के कवर और रनर बना सकते हैं। तो हम पूरा इसी तरह से कट कर लेंगे इसको। गाइज, ये पूरा कपड़ा कट कर लिया है हमने। और हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से कट करेंगे। ये हमने इस तरह से इसको कट कर लिया है और इसे बनाएंगे हम रनर। आप मार्केट से लाते हो, 400-500 में आपका रनर आता है और आप आराम से घर बैठे रनर बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई पुराना पर्दा भी नहीं है, तो आप शैनिल का एक कपड़ा लीजिए और उसके 4 साइड लेस लगाइए, आराम से आपका रनर बन जाएगा। तो जो हमारा ये दूसरा वाला पार्ट था, जो हमने रनर के साइड से निकाला है, तो वो हम जो इसमें बीच में ये फ्लावर आ रहा है, ये निकालेंगे, इसको हम कट करेंगे। इस तरह से हम ये कट कर लेंगे और सारे हम इसी तरह से इसी के नाप के कट कर लेंगे। इसके ऊपर इस कपड़े को रखिएगा और इसके बराबर इसको कट कर लीजिएगा। हमें सारे इसी तरह से निकालने हैं। तो हमने एक कट कर लिया है। तो गाइज, ये मैंने अपना जो मेरा पुराना पहले वाला जो सोफे का कवर है, वो हम लेंगे। और मैंने ये वाइट कॉटन का कपड़ा लिया है और इसके ऊपर रख के हम ये कटिंग करेंगे।
आप अपने सोफे के नाप का, जो भी आपके पुराने कवर पड़े हों उसी के नाप से आप भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम ये कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो ये मेरे पास ये राउंड वाला था, एक स्क्वायर वाला होता है, तो वो बनाना चाहे तो वो भी इजीली बन जाएगा। मुझे ये नीचे से गोल रखना था तो मैं इसी की तरह कटिंग करूँगी। इस तरह से इसको अच्छी तरह से रख के और नीचे से अब इसको गोल कट करना है। ये इस तरह से आपको कटिंग करनी है इसकी। ये देखिए, ये हमारा पूरा अच्छे से कट गया है। ये तो जो हमने फ्लावर वाला पार्ट निकाला था अलग, वो हम इसके बीच में रखेंगे। इस तरह से और इसके फोर साइड हम सिलाई लगाएंगे। के चारों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो गाइज, ये जो बड़ा वाला सोफे का कवर होता है, ये भी हम वाइट वाले कपड़े पे रख के इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। आप इसको पूरा वाइट अपना कपड़ा फैला लीजिएगा और इसके ऊपर रख के नीचे से ये गोल, और इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है और तीनों साइड में ये फ्लावर वाला कपड़ा लगाना है। तो हमने वो साइड में कर दिया है। पहले हम अपना कुशन सिलाई कर लेते हैं कुशन की। तो हमारा जो बीच वाला पार्ट है जिसको हमने कटिंग करी थी, वो हम एक पैर के सिलाई से उसको सिल लेंगे। इसको इस तरह से हम सिल लेते हैं पूरा। तो गाइस, दोनों साइड से हमने ये सिलाई लगा ली है। तो जो हमने सिलाई वाला जो पार्ट है वो हमें सेंटर में रखना है इस तरह से। और जो साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप कट कर दीजिएगा। ये मैंने कुशन से नाप के देखा, थोड़ा सा बड़ा आ रहा था, तो ये हम इसको कट कर देते हैं साइड वाला कपड़ा।
तो साइड वाला हमने कपड़ा कट कर लिया है और इसके फोर साइड लगाएंगे हम सिलाई। तो हमने सिलाई लगा ली है, तो ये इस तरह से आएगा। अब आप ये इस तरह से आप कुशन अंदर करके और ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें आप बाद में सोन से तुरपाई कर सकती हैं। ये हमारा रनर है जो हमने अपने पर्दे में से कट करा था। अब इसके साइड में आप लगाइएगा इस तरह की लेस, जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकती हैं। मैंने इस तरह की लेस ली थी तो मैं ये लगाऊंगी। दोनों साइड में ये लेस लगा लीजिएगा। तो हमारी ये लेस लग चुकी है इस तरह से दोनों साइड में और ये हमारा रनर बनके तैयार हो गया है। तो गाइस इसी में से अब हम ये कट करेंगे। और आप इसको कट करके फोर साइड कुशन की चारों साइड कुशन पे लगाइएगा। अच्छे से इसके कवर पे चारों साइड में ये लगा लेंगे हम। तो ये मैंने छोटे वाले मोती ले लिए हैं। ये है हमारा फैब्रिक ग्लू। अब हम इस पे थोड़े इस पे चिपकाएंगे छोटी छोटी जगह पे, थोड़े थोड़े बीच में गैप करके इसे चिपका लीजिएगा। इस तरह से आप पूरी कुशन के कवर पे लगा लीजिएगा ये मोती। इसको पहले आप सूखने दीजिएगा, उसके बाद जो हमने लेस वाली कटिंग करी है वो इसके चारों साइड में लगाइएगा। तो ये हमने चारों पूरे उस पर लगा लिया है और ये हमारे सूख गए थे और उसी के बाद हमने फोर साइड में ये लेस लगाई है। तो ये आपका कुशन कवर बनके तैयार है। तो आपके सारे कुशन इसी तरह से आपको बनाने हैं, तरह से ये आप आराम से ये आ जाएगा इसका। अब जो ये बीच वाला पार्ट है इसे आप सोई से सिल लीजिएगा। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम सोफे के कवर की सिलाई लगाएंगे।
इसे बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको। तो हमने इसके चारों साइड में सिलाई लगा ली है। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए आप ये बीच में वाइट कलर की लेस लगाइएगा और इसका जो ये फोर साइड है इसको अच्छे से बारीक बारीक सिलाई लगा के इस पर भी हमें लेस लगानी है। इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाइएगा। चारों तरफ इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और उसके बाद हम मरून कलर की इस पर लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये वाइट बीच में वाइट कलर की लेस लगाई है और साइड में मरून कलर की लेस लगाई है। इस तरह से हमने सारे ये तैयार कर लिए हैं। जो मैंने नीचे ये किनारी पे लेस लगाई है ये हमारी पॉम पॉम वाली लेस है। तो आपके एक ही पुराने पर्दे में से सारी चीज़ें आपकी बनके तैयार हो गई हैं। सिर्फ मैंने कुशन के लिए अलग से कपड़ा लिया था शैनील 2 मीटर और उसमें मेरे 5 कुशन आराम से बन गए थे। 5 मेरे बड़े कुशन बने थे, बड़े अर्ज़ की मेरी शैनील थी और 5 मेरे छोटे कुशन बन के तैयार हुए हैं। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है, आप इसकी हालत अभी देख सकते हैं। तो ये मैंने जो कवर बनाए हैं सोफ़े के, ये मैंने पूरे अपने ड्राइंग रूम के हिसाब से बनाए हैं क्योंकि कर्टेन भी मरून कलर के थे और जो मेरा पेंट हुआ हुआ है वो भी मरून कलर का है, तो उसी के हिसाब से मैंने ये बनाए थे। वाइट कलर का मैंने कपड़ा लिया और जो मेरा पर्दा था पुराना उसी के सारी चीज़ें मैंने ये लगाई हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप भी अपने ड्राइंग रूम को सेट कर सकते हैं। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से रनर को हम सेंटर टेबल के बिल्कुल बीच में डालेंगे। तो मेरे पास इस तरह का बड़ा बाउल घर में रखा हुआ था और ये जो इसमें पत्तियां डली हुई हैं ये आपको अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर कहीं मार्केट में मिल सकती हैं, वो आप लेके इसे पूरे में डाल दीजिएगा। और ये बीच में इसमें कैंडल लगा हुआ है, ये DIY पे मैंने घर पर बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आप भी अपनी ड्राइंग रूम को अच्छे से सजा सकते हैं। मैंने इस तरह की बहुत सारी DIY बनाई हैं, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो बेड के लिए मैंने ये प्लेन चादर ली थी एक वाइट कलर की,
उसको अच्छे से सेट किया, और जो हमने दूसरी साइड से रनर निकाला है उस पर मैंने लेस नहीं लगाई है, और हम इसके बिल्कुल बीच में इस तरह से लगाएंगे। और ये मैंने छोटे कुशन तैयार करे थे। तो गाइस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय।